Hello, Assalamu Alaikum. How are you? This is a continuity of previous lecture about protozoans. Our last two lecture maine diye hain that were about the taxonomic categories of the protozoans. Usme ek lecture tha supergroup excavata ke upar. Second was the supergroup एमोबोजोआ एंड राइजेरिया. और आज का ये लेक्चर जो है ना दैट डील्स विद द फोर्थ सुपर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ दैट इज नोन एज ए क्रोमल वियोलेटा. ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है. क्रोमल वियोलेटा एक बड़ा ग्रुप है तो इसको हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में. So in this lecture we will talk about dinoflagellates and AP complexa and iske baad jo lecture hoga usme hum chromal violeta ke group. So this is the recap of previous discussion ke entire protozoans are divided into four super group. One is known as excavata, second amoebozoa, third rhizaria. ये हमने सब कंप्लीट किए हैं प्रीवियस. अगर किसी ने नहीं लेक्चर सुने तो नीचे लिंक में जो है ना वो लेक्चर की जो है ना दी गई है लिंक्स दी गई है उनको आप देखें. आज का डिस्कशन जो है ना वो क्रोमल वियोलेटा के बारे में है. तो क्रोमल वियोलेटा में जो स्पेशल चीज है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स. लेकिन वो एंसेस्ट्रल में भी थे और अभी जो है ना कुछ जो मेंबर हैं उनमें जो है ना वो प्लास्टिड नहीं है. मोर ओवर दिस क्रोमल वियोलेटा हैव द थ्री फोर फर्स्ट रैंक ग्रुप. वन इज नोन एज क्रिप्टोफाइसी, हेप्टोफाइटा एंड देन स्ट्रेमेनोफिल. ये तीनों जो है ना हमारे यहाँ प्रोटोजोन्स नहीं है. ओनली प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन द अल्वियोलेटा सब ग्रुप. तो हमारा सारा डिस्कशन जो होगा वो इस सब ग्रुप पर होगा, बाकी हम उसको स्किप करेंगे. और क्योंकि जो सारे ग्रुप हैं उनमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और अल्वियोलेटा के कुछ मेंबर्स में प्लास्टिड नहीं है तो ये डाइवर्स ग्रुप है. ओके, तो इनमें now as previously I said that chromal violeta is very diverse group. Okay, it has some member which contain the archplastid, some contain the plastids and or some do not contain the plastids, a diet. So jab plastid hoga to some are the autotrophic means they produce their own feed, some are the mixotrophic having the mixed type of the nutrition, and some have the protozoa type of nutrition. Are jo kuch protozoa isme group mein paaye jaate hain, they are heterotrophic animal type, means depend on other. All are no doubt means isme is group mein diverse to hain, there is a diversity, lekin sab ki jo hai na common origin hai. Wo common origin kya hai? Oh, that's a feature of plastid. And moreover, as I told you, that this group is divided into various sub groups, और उसमें जो हमारा जिसमें protozoans हैं वो that is alveolata है, उसमें protozoans पाए जाते हैं, तो उनको हम इस lecture में focus करेंगे. Okay, so subgroup Alveolatus is large subgroup. It contains dinoflagellates, apicomplexa and psilophora or ciliate. ये तीन major group हैं हमारे यहाँ protozoans के जो इसमें पाए जाते हैं. So one common trait is the presence of flattened vesicle called alveoli.
इट हैज द वेसिकल मीन्स ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट फाउंड इन दीज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. और उस वेसिकल्स को हम, क्योंकि उनकी जो है ना स्पेशल शेप होती है, उसको हम अल्विलाई कहते हैं उस वेसिकल. और इस प्रेजेंस ऑफ सच अल्विलाई की वजह से इनको हम अल्विलेटा ग्रुप कहते हैं. नाउ अल्विलस फंक्शन इन द प्लास्म इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिमिलर टू द गोल्जी बॉडीज. जैसे गोल्जी बॉडी का काम है तो अल्विलाई वेसिकल का भी वही काम है. इन एडिशन अल्विलेट्स कंप्राइज व्हाट इज बिलीव टू बी मोनोफाइलेट सब ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ विथ वेरिड फॉर्म ऑफ लोकोमोशन रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक सब मेम्ब्रेन वेसिकल्स. मीन्स टेक्निकली दे आर मोनोफाइलेटिक लेकिन सम हैव द लोकोमोटरी ऑर्गनी मीन्स द कुछ में फ्लेजिला है, कुछ में सिलिया है. रिप्रोडक्शन के हवाले में कुछ में कॉन्जुगेशन हो रही है, कुछ में जो है ना शिजोगोनी हो रही है, कुछ में स्पोरोगोनी हो रही है. तो ये डाइवर्सिटी है मीन्स फॉर्म एंड फंक्शन के जो है इसमें डाइवर्सिटी है लेकिन ओरिजिन सबकी एक ही है. नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ग्रुप ऑफ अल्वियोलेटा दैट इज द डायनोफ्लेजिलेट्स. डायनोफ्लेजिलेट्स इस तस्वीर में आप दे सकते हैं. दिस इज द फिगर डायग्राम ऑफ डायनोफ्लेजिलेट्स. सो डायनोफ्लेजिलेट्स आर मेरीन फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स एंड दे कंटेन वेरियस पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल एंड दे हैव वन फ्लेजिलम दैट रैप अराउंड द प्रोटोजोआ इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन और ट्रांसवर्स वे. And the primary action of this flagella causes the movement to spin on its axis. तो flagella की वजह से उनमें spin type movement होती है, whirl type movement होती है. That's why in उस whirl को हम Greek में dynon कहते हैं. Whirl movement, उस flagellar movement को हम whirl dynon कहते हैं. And they are known as a dinoflagellate, means having flagella but flagella perform the whirl type of movement. तो इस ग्रुप का नाम भी रखा गया डायनोफ्लेजिलेट्स. इन एडिशन टू द क्लोरोफिल मेनी डायनोफ्लेजिलेट कंटेन ज़ेंथोफिल पिगमेंट. तो एक तो क्लोरोफिल पिगमेंट इनमें हो पाया जाता है और ज़ेंथोफिल, और ज़ेंथोफिल की वजह से इनका गोल्डन ब्राउन कलर होता है. दे हैव द गोल्डन ब्राउन कलर. समटाइम डायनोफ्लेजिलेट बिकम न्यूमरस that they color the water. Means in some season dinoflagellate की population बहुत ज़्यादा होती है तो पानी का color भी जो है ना dinoflagellates के color के मुताबिक होता है. और कुछ member, some member of this one dinoflagellates, dinoflagellate में अगर आप करें ceratium है, gymnodium है, तो gymnodium produce the toxin. Several members such as gymnodium produce the toxin and periodic bloom of these means kuch season mein inki zyada population badh jayegi in gymnodium ki they produce the more toxin and that toxic material kills the continental fishes. और इस फेना को हम क्या कहते हैं रेड टाइड्स कहते हैं. क्या कहते हैं रेड टाइड्स. तो मीन्स रेड टाइड इज अ फेनोमेना इन विच जिम्नोडियम पॉपुलेशन इंक्रीज इन सर्टेन सीजन ऑटोमेटिकली दे प्रोड्यूस मोर टॉक्सिक टॉक्सिन और उस टॉक्सिक की वजह से वो फिशेस मर जाते हैं. और जो लोग जो है ना उस जो है ना मरी हुई मछलियों को या टांटेड मोलस्क्स ऑफ फिशेस जो इस रेड टाइड की वजह से मर गए हैं उनको कंज्यूम करेगा तो वो भी जो है ना उनको भी नुकसान आएगा. एंड आल्सो सेम के मूसा के टाइम में इजिप्ट में भी एक जो है ना इस तरीके से बाइबल में ये बात रिपोर्ट हुई है कि पानी जो है ना बिल्कुल मरी मछलियों से भर गया था और जो है ना उसमें ये एक्चुअली दैट वाज द
ब्लूमिंग और हायर प्रोडक्शन ऑफ द डायनो फ्लेजिलेट, इनकी वजह से हुए थे। नाउ द सेकेंड ग्रुप ऑफ द सब ग्रुप एल्वोलेटा इज एपी कॉम्प्लेक्स। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपको ये अच्छे तरीके से इनको समझना भी है कि है क्या, कैसे इनके नाम क्या हैं और इनकी लाइफ साइकिल कैसे है, इनकी जो डिजीज हैं वो कैसे करता है। सो मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एल्वोलेटा एपी कॉम्प्लेक्स ऑल आर पैरासाइट। एक तो सारे जो प्रोटोजोन पैरासाइट हैं जो पहले स्पोरोजोआ में प्लेस हुए थे, पहले क्लासिफिकेशन के वो सारे इस एपी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। और जब जब एक और क्लासिफिकेशन आई थी जिसमें जिसमें प्रोटोजोआंस को फाइलम में डिवाइड किया गया था, 7 फाइला में, तो उसमें एपी कॉम्प्लेक्स वाज आल्सो फाइला। तो एपी कॉम्प्लेक्स आर ऑल आर पैरासाइट। उनके फीचर क्या है कि दे हैव एपिकल कॉम्प्लेक्स। एपिकल मीन्स अ टॉप स्ट्रक्चर, एक नोकदार उनमें स्ट्रक्चर होती है जो होस्ट को पेनिट्रेट करने में जो है ना यूज होती है, और वो सब में एक जैसी नहीं होती, इट इज डाइवर्स। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एपिकल, मीन्स टॉप स्ट्रक्चर। मोर ओवर एपिकल कॉम्प्लेक्स इज अ डेंस रिंग एंड कोन लाइक स्ट्रक्चर एट द इंटीरियर एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Moreover, they have the single nucleus. Apical complex में no flagella, no cilia, हाँ उनकी जो reproductive stage में उनमें हो सकती है, बाकी जो adult होता है apical complex उनमें कोई जो है ना कोई ऐसी locomotory organelle नहीं होता। And the life cycle include the asexual phase, we call the schizogony and sporogony, or sexual phase we call that's a gametogony. ye unki life cycle, to ye char character aapko aane chahiye ke they have the apical complex apical top structure which used for penetrating. Second, they have single nucleus. Third, no locomotory organelle. Fourth, life cycle jo unki complex hoti hai, sexual phase, schizogony, sporogony, sporogony and sexual phase, the gametogony. इस जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि दे आर ऑल पैरासाइट, सो पैरासाइट मोस्ट ऑफ पैरासाइट कॉज द डिजीज। सो These tiny parasites spread their host as a tiny infectious cell called sporozoite, means parasite disease cause करते हैं ये, तो उनकी एक stage होती है, infectious stage होती है, we call the sporozoite. अब sporozoite के through जो infectious cause करते हैं, तो example उसमें cryptosporidium, toxoplasma, cyclophora, babesia, plasmodium, or they cause the disease in domestic animal, mammals and human. और ये जो है ना cryptosporidium, babesia, malaria और ये toxoplasma की तस्वीर है। This is a general life cycle of the plasmodium. है ये plasmodium की लेकिन हम इसे जनरली पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सारे जो एपी कॉम्प्लेक्सन है उनकी लाइफ साइकिल इस तरीके से होती है। नाउ ये सारा जो इनका फेज है वो ह्यूमन में सॉरी ये सारा फेज जो है ना मॉस्किटो में होता है और ये फेज जो है ना ह्यूमन में होता है। ओके okay? So this phase is known as a sporogonic phase, or this phase is known as a erythrocytic phase या cycle कहते हैं। तो इनको हम one by one detail में पढ़ेंगे। So now life cycle of apical complex, no doubt
ये एपी कॉम्प्लेक्स आ दे आर इंट्रा सेलुलर पैरासाइट और इन सब की लाइफ साइकिल के तीन फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? तीन फेजेस होते हैं। वन फेज इज द शिजोगोनी फेज, सेकेंड इज नोन एज स्पोरोगोनी फेज एंड थर्ड फेज इज नोन एज गैमेटोगोनी फेज। ये तीन फेजेस होते हैं, आप याद रखें, शिजोगोनी, स्पेरोगोनी एंड गैमेटोगोनी फेज। नाउ शिजोगोनी इज द सेम वे लाइक मल्टीपल फिशन ऑफ असेक्सुअल स्टेज इन द होस्ट सेल टू फॉर्म मेनी मोर असेक्सुअल इंडिविजुअल कॉल मीरोजाइट्स दैट लीव द होस्ट एंड इन्फेक्ट मेनी अदर सेल। ये फेज जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन इंसर्ट प्लास्मोडियम, और प्लास्मोडियम जो है ना वो लिवर में जाएगा, लिवर के बाद ब्लड में जाएगा और वहाँ जो है ना वो डिवाइड होगा और में तो वो मीरोजाइट्स बनेगा। तो इस फेज को जो है ना जिसमें असेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा वो शिजोगोनी का। शिजोगोनी इज टू प्रोड्यूस मीरोजाइट आल्सो नोन एज ए मीरोगोनी। सम ऑफ द मीरोजाइट अंडर गो गैमेटोगोनी व्हिच बिगिन अ सेक्सुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। के कुछ जो है ना मीरोजाइट्स में गैमेटोगोनी, गैमेटोगोनी मीन्स प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, के इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो गई और गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो है ना आप देखें ये गैमेटोसाइट इसमें ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये गैमेटो गैमेट्स जो है ना, एक को हम माइक्रो गैमेट्स, सेकेंड को हम मैक्रो गैमेट्स कहते हैं गैमेटोसाइट। ये विल these will take part in the further life cycle or sexual. So these parasite forms either micro or macro, means these are gametogony, or micro gametocyte undergo multiple fission to produce the biflagellated micro gametes that emerge from the infected host cell. Look at this one. यहां से ये गैमेटोगोनी जब ये मॉस्किटो में और वहां जो है ना इनमें एक्सफ्लेजिलेशन हो रही है, ओके, और उनसे जो है ना ये माइक्रोगैमेट या मैक्रोगैमेटोसाइट और इनको मिस माइक जो मैक्रो है माइक्रो से स्पर्म पैदा होगा और मैक्रो गैमेटोसाइट से जो है ना सिंगल मैक्रो गैमेट या ओवम प्रोड्यूस होगा। नाउ द माइक्रो गैमेटोसाइट फर्टिलाइज द मैक्रो, माइक्रो मैक्रो वो फर्टिलाइज होगा, प्रोड्यूस जाइगोट और जाइगोट या इसके बाद ये मीन्स ओकाइनेट स्टेज आएगी और फर्दर इसको बाहर कवरिंग होगी तो इट विल प्रोड्यूस द ऊसिस्ट। क्या प्रोड्यूस? जाइगोट से ऊसिस्ट। नाउ द जाइगोट अंडर गो म्योसिस, इनमें अंदर म्योसिस होगा, रिजल्टिंग सेल डिवाइड रिपीटेडली बाय द माइटोसिस और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पोरोगोनी फेज कहते हैं एंड प्रोड्यूस many rod like meiosite in oocyte aur ye meiosite sporozoite produce karenge। now aap dekh sakte hain ye cyst rupture hui hai, isme bahut zyada sporozoite produce hue hain। ab ye sporozoite jo hai na isko koi host le jayega, mosquito le jayega, it will infect the new host aur wo naye host mein jo hai na jaise mosquito bite karega और इस तरीके से जो है ना वो दूसरे होस्ट में इंसर्ट करेगा। तो ये एक जनरल लाइफ साइकिल हो गई। सेम दिस इज प्रीवियसली वी डिस्कस। नाउ लेट्स डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट
एपी कॉम्प्लेक्स था वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम कॉज डिजीज वी कॉल द मलेरिया, और इस मलेरिया की जो हिस्ट्री हमें बता रही है कि द डिजीज की हिस्ट्री 1550 बीसी से पहले हमें मालूम है। और जो मजहबी लड़ाइयाँ हुई थी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में, जिसे हम क्रूसेड कहते हैं मेडिवल इरा में, तो वो उनको तबाह करने में भी मलेरिया का किरदार है। और दुनिया में जो बड़ा आउटब्रेक रिसेंटली 1970 में हुआ वर्ल्ड में, जिसमें मलेरिया का दोबारा रिसर्जेंस हुआ, तो ये मलेरिया कंटिन्यूसली जो है ना अफ्रीका में डिवेस्टेट कर रही है। सो मोर देन 300 to 500 million पीपल्स आर एस्टिमेट टू एन्युअली कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज, और उनमें कई लोग मर जाते हैं हर साल। तो ये हिस्टोरिकली जो है ना तारीखी तौर पे, और अभी भी जो है ना मलेरिया की जो है बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। तो मलेरिया किसकी वजह से होती है? प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम बिलोंग टू द एपिकॉम्प्लेक्सा, और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल वर्टिब्रेट होस्ट में होती है और मॉस्किटो में होती है। एंड इनकी शेजोगोनी फर्स्ट अकर इन लिवर ए लेटर इन रेड रेड ब्लड सेल। जो मल्टीपल फिशन होता है इनका वो लिवर में होता है, देन रेड ब्लड सेल, और गेमिटोगोनी जो इनका फेज होता है वो हमारे रेड ब्लड सेल में होता है। और देन जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो वो गेमिटोसाइट उनकी ब्लड मील में जाएगी, और गेमिटोसाइट जो है ना वो फ्यूज होंगे, जाइगोट्स प्रोड्यूस करेगा, और जाइगोट से उस प्रोड्यूस होगी, और उस से उस साइट प्रोड्यूस होंगे। उस फेज को हम क्या है स्पोरोगोनी, और उस स्पोरोगोनी फेज में स्पोरोजॉइट्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये जब मॉस्किटो दोबारा किसी को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजॉइट उस होस्ट में। नाउ द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया रिकर्स पीरियडिकली 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के बाद जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं ना, जैसे चिल एंड फीवर, तो इसको हम पैराग्जिम्स कहते हैं। ये टर्म आपको याद रखें, द पैराग्जिम्स मीन्स सिम्टम्स ऑफ मलेरिया रिकर पीरियोडिकली, चिल फीवर। और चिलिंग फीवर तब होता है जब वो जो पैरासाइट होता है दे रप्चर द रेड ब्लड सेल एंड रिलीज द टॉक्सिक मटेरियल इन मेटाबोलाइट्स। दुनिया में चार जो है ना प्लास्मोडियम की स्पेशीज हैं जो मलेरिया से रिलेटेड हैं। ए वन इज नोन एज प्लास्मोडियम विवेक्स, सेकंड इज नोन एज प्लास्मोडियम फाल्सिपरियम, थर्ड इज नोन एज प्लास्मोडियम मलेरी, फोर्थ इज नोन एज प्लास्मोडियम ओवेल। ये चार जो है ना स्पेशीज हैं। नाउ प्लास्मोडियम विवेक्स कास मलेरिया इन विच पैरामैक्सिस रिकर एवरी 48 आवर्स। ये 48 घंटे के बाद जो है ना बुखार दोबारा रिपीट होता है। तो अगर किसी को ऐसे बुखार हो, मलेरिया बुखार जो 48 घंटे के बाद रिपीट हो, तो यकीनन वो बुखार वो प्लास्मोडियम विवेक्स की वजह से हो रहा है। और ये स्पेशी टेम्परेट रीजन में पाई जाती है, और आस्ता आस्ता दुनिया के कई पार्ट से ये खत्म हो चुकी है, इनकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है मेडिसिन की वजह से। अब आपको याद होना टेम्परेट रीजन कहाँ कहते हैं, किसे हैं? जमीन के जो इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ में और साउथ में 23 डिग्री जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं या इक्वेटरल रीजन कहते हैं। सेम वे 23 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो एरिया है वो हमारे क्या है टेम्परेट रीजन है। तो यहाँ दुनिया में जो है ना ये ज्यादातर प्लाज्मा विवेक्स वहाँ पाए जाते हैं। फाल्सिपीरम ये मोतमार है, वायलेंट फॉर्म ऑफ मलेरिया है। इनके जो है ना पैरामिक्सिस जो है ना पैराग्जिम्स जो है ना वो रेगुलर नहीं होते, जैसे किसके 48 आवर या 72 आवर से रिपीट होते हैं, तो इनमें मिक्सअप होती है। ये वर्ल्ड वाइड थी दुनिया में, बट यहाँ
अभी सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, और दुनिया में जो अफ्रीका में ज्यादा से ज्यादा जो है ना इंसान का जिसने डेथ करवाई है या किलर है वो ये है अफ्रीका में। एंड थर्ड स्पेशीज प्लाज्मो मलेरिया, मलेरिया ये वर्ल्ड वाइड इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आम मलेरिया जो काज करती है इस प्लाज्मो मलेरिया होती है, और इनके पैराग्जिम्स जो सिम्टम्स हैं वो 72 आवर्स के बाद रिपीट होते हैं। एंड लास्ट इज द प्लास्मोडियम ओवल, ये दुनिया में कम तरीन है। इन चारों में सफर जो रियरेस्ट है वो जो है ना प्लास्मोडियम ओवल है, और अगर होगी तब अगर ट्रॉपिकल रीजन में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। Okay, this is the continuity of the previous slide. Now, some more epicomplexa. So, other complexin also cause important disease. One is known as a disease known coccidiosis. Ye poultry means murgiyon, sheep, cattle, and rabbit ki disease hai. दो जनरा जो है ना टू जनरा आइसोस्पेरा इमेरा आर पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट। ये जो है ना हमारे यहाँ पोल्ट्री में डिजीज काज करते हैं, और दुनिया में जो ग्लोबल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उनको बहुत बिलियन डॉलर्स का नुकसान देते हैं। एन अदर कोकिटिन इज द क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये ह्यूमन से रिलेटेड है और स्पेशली दोज विच हैव द एड्स, एड्स डिजीज जो अकॉर्ड अम्यूनो डिफिशेंसी डिजीज है। अगर एड्स के पेशेंट में क्रॉनिक डायरा डायरिया है तो वो डायरा इस प्रोटोजोम्स की वजह से है, क्योंकि ये क्रिप्टोस्पोरिडियम क्लोरिनेशंस को रिजिस्ट करता है, उनसे नहीं मरता। और जो है ना उस पेशेंट्स में जिनमें अम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है उनमें तो ये डेथ भी। नाउ अनदर डिजीज इज नोन एज टॉक्सोप्लास्मोसिस, डिजीज ऑफ मैमल including human and birds. Now this disease is caused by the toxoplasma. ज्यादातर primarily ये disease cats में पाई जाती है। Infections occur when oocysts are ingested within food, with food contaminated by the cat's feces. Okay? When meat containing incestuous myrozoite is eaten raw or poorly cooked. So most infection in human are asymptomatic. ज्यादातर means जो घर में बिल्लियां वगैरह होती हैं तो उनमें ये डिजीज होती है, तो ह्यूमन फूड का उससे थोड़ा कांटेक्ट हो जाए तो देन ह्यूमन उस फूड को खाएगा तो वो डिजीज ह्यूमन में हो सकती है, और ह्यूमन में अगर ये टॉक्सोप्लास्मोसिस प्लास्मो सिस होगी तो वो असिम्प्टम होगी, उसके सिम्टम जाहिर नहीं होंगे। औरतों में इफ वुमेन इज इंफेक्टेड नियर द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तो उस वजह से एक कॉन्जेंटल टॉक्सोप्लाज्मा फीटस में हो सकता है, और ये जो है ना दिस कॉन्जेंटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का मेन क्या होगा, स्टिल बर्थ और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है ना, ये दो जो है ना अगर प्रेग्नेंट वुमेन में ये प्रोटोजोआ घुस जाएगा टॉक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज काज करेगा तो दैट प्रेग्नेंट वुमेन सफर फ्रॉम स्टिल बर्थ और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। फीटस दैट सर्वाइव फ्रीक्वेंटली हैव साइन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एंड एपिलेप्सी, अगर बच्चा जो है ना फॉर एग्जाम्पल सर्वाइव भी कर रहा है तो वो फीटस जो है ना उनको मेंटल रिटार्डेशन के जो है ना सिम्टम्स साइन नजर आएंगे और एपिलेप्टिक सीजर जो है ना उसमें आएंगे। लेकिन आज तक देयर इज नो क्योर फॉर द कॉन्जिनेंटल टॉक्सोप्लास्मोसिस। नाउ मोर ओवर के टॉक्सोप्लास्मोसिस आल्सो हाई रैंक अमंग द opportunity disease of afflicting AIDS patient. The steps to avoid infection by the toxoplasma includes keeping stray and pets get away from the children's sandbox using sandbox cover, awareness on the part of couple considering having
children of potential birth of eating raw or very poor का lamb or beef. तो इनसे क्योर ये है कि बिल्लियों को जो है ना घर से दूर रखें, स्पेशली बच्चों के हवाले से जो है ना. और जो कपल्स जो है ना बच्चे देने के लिए का मन रखते हैं, तो उनको जो है ना ऐसे फूड को अनकुक्ड और रॉ फूड को ईट करने से अवॉइड करना चाहिए. So this all information that we shared here, that we took from these two books. One was the Miller Haley, unki mukhtalif edition, especially 10th edition, aur Hickman ki yahan 15 mein likhi hai lekin 18th edition bhi humne follow ki. So thank you for listening. Thank you.